ये पत्थर अभी गिरा बिल्कुल वहाँ ऊपर से और रोड भी इस वजह से ब्लॉक हो चुका है। ये जो पेड़ गिरा है ये पूरा इस गाड़ी के ऊपर नहीं गिरा, ये सिर्फ इस वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ मनाली सीरीज। तो फर्स्ट वीडियो में आपने पार्वती वैली में स्नोफॉल का एक्सपीरियंस देखा था। इस वीडियो में हम चोज विलेज से मनाली जाएंगे, बाकी चारों तरफ ये बर्फ से ढकी वादियाँ तो आप देख ही रहे होंगे। और इस ट्रिप में हमारी दोस्ती हुई जोजो से, जिसका नाम हमने खुद ही रखा था। पैकिंग करके हम निकल तो गए थे यहाँ से, लेकिन किसे पता था कि रास्ते में हम कुछ ऐसा देख लेंगे जो आपको भी जरूर देखना चाहिए। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम चोज विलेज। तो आज हमने चेकआउट कर लिया अपने रूम से, अभी 12 बज रहे हैं और आज का हमारा सीन है कि आज हम मनाली के लिए जाएंगे। और यार कल रात को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कल जो स्नोफॉल हुआ था वो तो दिन में ही रुक गया था, लेकिन रात को यहाँ पर दोबारा स्नोफॉल हुआ था और अब यहाँ के रास्ते थोड़े स्लिपरी हो चुके हैं। तो हम धीरे धीरे ही आगे जा रहे थे, बाकी नज़ारे तो आप देख ही रहे होंगे, सब कुछ बर्फ से ढक गया था। और सुबह थोड़ी धूप निकल गई थी, उस वजह से बर्फ थोड़ी पिघल गई है, वरना सुबह जब मैं उठाता तो बहुत ज़्यादा बर्फ थी हर जगह। अभी हम चोज वाले से कसौल के लिए जा रहे हैं और रास्ता कुछ इस तरीके से है। रास्तों पर भी थोड़ी बर्फ है, लेकिन अभी मैं ब्रिज पर पहुँचता हूँ, फिर आपको अपडेट देता हूँ। यहाँ से हंसते खेलते हुए हम जा ही रहे थे कि अचानक हमने बहुत तेज आवाज़ सुनी। हम सोच ही रहे थे कि क्या हुआ है, तब हमें पता चला कि स्नोफॉल के कारण आगे लैंडस्लाइड हुआ है और गाड़ियाँ फंस गई हैं। और भाई अभी यहाँ पे ना बर्फ़ गिरी है बहुत ज़्यादा इस पार्ट से, और सही बता रहा हूँ हर तरफ बस आवाज़ गूंज रही थी वो बर्फ़ गिरने की। लोग वहाँ से थोड़ा साइड हट गए हैं, लेकिन हम भी थोड़ा रुके हैं यहीं से, देख रहे हैं क्या सीन है। बाकी बर्फ तो यार देख ही रहे हो यार, चारों तरफ स्नो ही स्नो है। जैसा कि कल मैंने कहा था कि आज हर जगह बर्फ की चादर से ढक जाएगी, और ऐसा ही हुआ यार। पता नहीं मनाली में कैसा होगा, वहाँ जाने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही है हमें। वैसे ऐसे टाइम पे अपनी कार में यहाँ आने में रिस्क तो बहुत है, लेकिन अगर फिर भी आप अपनी कार ला रहे हो तो स्नो चेन जरूर अपने साथ रखना, जिससे आपको हेल्प मिलेगी स्नो में ड्राइव करने में, या फिर आप 4x4 कार भी ला सकते हो। और भाई स्नोफॉल देख रहे हो यहाँ पे कितना हुआ है, रात रात में लगा लो 3 घंटे के अंदर इतना स्नोफॉल हुआ है, और गाड़ियाँ स्लिप करती हुई जा रही हैं यहाँ से। लिटरली मैं आपको दिखाता हूँ, और भाई अभी जो मैं आपको ब्रिज से दिखा रहा था कि ऊपर से स्नो गिरी है, मतलब बहुत सारी स्नो स्लाइड करते हुए नीचे गिरी और लैंड स्लाइड भी हुआ है। और आगे मैं देख पा रहा हूँ रोड ब्लॉक हो चुकी है, मतलब पत्थर गिर गए हैं ऊपर से। मैं दिखाता हूँ आपको, तो उधर बिल्कुल पत्थर गिरे हुए हैं, वो ऊपर से गिर के आए हैं और इस वजह से अब गाड़ियाँ भी रुक गई हैं। तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि ये कब तक हटेगा, उसके बाद ही लोग आगे कसौल की तरफ जा पाएंगे। बाकी पास में चलते हैं उसके थोड़ा। लेकिन यार अब जो व्यू है ना यहाँ का, आप देखो चारों तरफ स्नो ही स्नो, और इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा कसौल को। और मतलब आते ही यार किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमने स्नोफॉल भी देख लिया, सब हो गया, और आज धूप भी निकली हुई है, मतलब इतना अच्छा मौसम है ना। मनाली जाने का तो पूरा पूरा मन कर रहा है, बाकी आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो देखो भाइयों ये पत्थर अभी गिरा बिल्कुल वहाँ ऊपर से, और रोड भी इस वजह से ब्लॉक हो चुका है। वो तो अच्छा हो कोई हादसा नहीं हुआ यहाँ पे, हादसा होने वाला है। भाई साहब देख रहे हो इतने सारे पत्थर, मतलब रोड ही खुद गई है पूरी एक तरीके से। और आगे भी पत्थर गिरे हुए हैं, आगे चल के देखते हैं कि आगे कैसा हाल है। बाकी यार इस वक्त तो बहुत खतरनाक है यहाँ पे ड्राइविंग करना, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपनी कार ना लेके आए,
आप वॉल्वो से या किसी दूसरे जरिए से आएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएँ, क्योंकि पत्थर तो आप देख ही रहे हो, ये सब पत्थर अभी गिरे हैं और आगे भी कुछ पत्थर गिरे हुए हैं, तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे इस गाड़ी वाले की किस्मत अच्छी थी कि ये जो पेड़ गिरा है ये पूरा इस गाड़ी के ऊपर नहीं गिरा, ये सिर्फ इस टायर तक ही गिरा है। अब देखो ये पूरा टायर बैंड हो चुका है और पत्थर भी यहाँ गिरे हुए हैं, मतलब एक मेजर एक्सीडेंट होने से बच गया, मतलब बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन आप देखो यार कितने डेंजरस है इस टाइम पर यहाँ पर ड्राइविंग करना, तो अगर आप आ रहे हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आना, अपनी कार ना लेके आएँ वही बेस्ट है। तो अभी सब लोग ये पत्थर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि गाड़ियाँ इस वजह से फंस रही हैं, यहाँ पे जाम भी बहुत लग गया है, आगे तक गाड़ियाँ फंसी हुई हैं थोड़ी। लेकिन पत्थर का वेट बहुत ज़्यादा भारी है, अब तो जेसीबी ही आएगी यहाँ पे। अब तो यार यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जाम लगने वाला है, मतलब गाड़ियों पे गाड़ियाँ उधर जाए जा रही हैं, तो थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लग जाएगा। बाकी जेसीबी भी आने वाली होगी इन पत्थरों को हटाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं कसौल की तरफ। भैया कहाँ बंद है क्या के? हाँ वो ऊपर पत्थर गिर गए बहुत सारे, मतलब खुला खुल तो रहा है लेकिन धीरे धीरे निकल रहे हैं वहाँ से, तो बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं कि कब वो पत्थर हटे और वो निकल पाए। बाकी अभी का व्यू देखो। यहाँ से हम निकले कसौल के लिए, क्योंकि कसौल से हमें बस लेनी थी मनाली के लिए, लेकिन मनाली के लिए हमें कोई डायरेक्ट बस नहीं मिली, तो हमने भुंतर तक के लिए बस ली और हम पहुँचे भुंतर। सो गाइस रीच हेयर इन भुंतर, अभी 3 बज रहे हैं और हम मनाली जाने के लिए बस का वेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम 5-6 बजे तक मनाली पहुँच जाएंगे। भुंतर से मनाली जाने के लिए हमें कोई डायरेक्ट बस नहीं मिली, इसलिए हम पहले भुंतर से कुल्लू गए और फिर कुल्लू से हमने मनाली जाने वाली बस ली और नज़ारे देखते देखते हम पहुंचे मनाली के मॉल रोड पर। सो गाइस मनाली तो हम पहुंच गए हैं, अब हम रूम पर जा रहे हैं और उसके बाद थोड़ा चिल करेंगे। बाकी पहले रूम पर पहुंचते हैं, उसके बाद मैं आपको मॉल रोड पर लेकर चलूंगा। सो गाइस रूम पर मैं पहुंच गया हूं और इस प्रॉपर्टी का नाम है केडीज विला और ये मॉल रोड के बिल्कुल ही पास में है, आप यहाँ पर पैदल भी आ सकते हैं। और ये रूम मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे मिला है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और अगर आप भी ये रूम बुक करवाना चाहते हो बहुत अच्छे प्राइस पर, तो आप द डीपी टूर्स को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी ये है हमारा आज का रूम और रूम बहुत अच्छा है, मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पर आया था जब मैं हमता पास में गया था, आपने देखी होगी वो सीरीज़। और इसमें गीज़र भी है और बहुत क्लीन रूम है और
ऐसे ठंड के टाइम पे यहाँ पे ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली, तो रूम तो काफी अच्छा है। बाकी अभी हम बाहर जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम बाहर जाएंगे थोड़ा घूमने, और फिर मैं आपको मनाली की बाहर की गलियाँ दिखाऊंगा, मॉल रोड और बाकी जगह। तो चलो फिर चलते हैं। सो गाइस, रूम से तो हम निकल गए हैं और अभी मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं। बाकी यार पूरी रोड पे स्नो जमी पड़ी है। अभी पैदल चलने के लिए तो ठीक है, लेकिन गाड़ियों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, स्लिप कर रही है यहाँ पे। अभी एक बंदा भी गिर गया था हमारे सामने, लेकिन माहौल काफ़ी अच्छा है अभी का। तो ये है अभी का व्यू, और अभी मैं मॉल रोड की तरफ ही जा रहा हूँ। बाकी पूरी रोड पे स्नो जमी पड़ी है। ओल्ड मनाली में इस ब्रिज के पास अगर आपने इनमें से कोई कैफ़े विजिट किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी ओल्ड मनाली की ये छोटी छोटी गलियां एक्सप्लोर करने के बाद हम गए कुछ शॉपिंग करने के लिए, और उसके बाद हम अपने होटल पर गए जहां का डिनर हमारे रूम पैकेज में ही इंक्लूड था। अगर आप भी ये रूम पैकेज बुक कराना चाहते हो तो आप द डीपी टूर्स को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके कुछ सीन आप अभी देख लो। सो गाइस, अभी मैं वन विहार डूंगरी में हूँ, और मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हो ये फ्रोजन लेक है,